और राखी मैम को जब अवार्ड मिलेगा तो इतनी सिंपलिसिटी से थोड़ी मिलेगा, राइट? एनर्जी भी बढ़ेगी और परिवार भी मंच पर, बिकॉज बहुत सारे लोग उन्हें सम्मानित करने के लिए, उनके सहयोग के लिए वेट कर रहे हैं। तो अभी मैम सिर्फ अवार्ड देने के लिए आई है। राखी मैम, राशि मैम, प्लीज आप हमारे साथ बने रहें, आप प्लीज हमारे साथ बने रहें, बिकॉज और भी दो तीन लोग हैं जो आपसे अवार्ड लेना चाहते हैं, बहुत स्पेशल फील करेंगे वो, इसीलिए क्षमा चाहोगी। लेकिन आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली जो विनर है उन्हें मंच पर बुला रही हूँ, ये है वर्षा खादीजा। आइए जोरदार तालियों के साथ जल्दी से उन्हें मंच पर बुलाते हैं। एवरीवन कीप क्लैपिंग फॉर वर्षा। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? हाँ, इतने धीरे से आवाज। हेलो गाइस, आप सब लोग आप अपने लिए तालियां बजाएं, क्योंकि आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं इस ईयर का भी दोनों अवार्ड के लिए। थैंक यू सो मच गोल्डन गर्ल अवार्ड के लिए। मुझे अच्छा लगता है नए नए अवार्ड नाइट्स आते हैं, सब लोग सबको सम्मानित करना चाहते हैं। सो मैं बड़े से बड़ा अवार्ड नाइट लाइक आईफा फिल्म फेयर, बड़े से बड़े अवार्ड नाइट करती हूँ। और लोग होते तो बस अरे हम छोटे मोटे अवार्ड में क्यों जाएं, क्यों नहीं, मैं कहती हूँ क्यों नहीं। हर कोई तो आईफा नहीं पहुँचेगा ना, हर कोई तो फिल्म फेयर में नहीं पहुँच सकता ना। तो ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, तो अगर इनको थोड़ा सा सम्मानित किया जाए
तो मैं थैंक यू आप लोगों को कहूँगी कि गोल्डन गर्ल अवार्ड आप लोगों ने यू नो बनाया, जो इतनी महिलाएं मेहनत करती हैं तो उनको नवाजना चाहिए और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। जैसे कितनी महिलाएं हैं यहाँ पे, इतनी हार्डवर्क करती है। और गाइस कम ऑन, अब मेल थोड़े पीछे हैं और महिलाएं आगे हैं, है कि नहीं? जितने भी आदमी लोग हैं उनका सक्सेस का कारण ही महिलाएं हैं। आपके टिफिन, आपका ऑफिस जाने से लेकर रात को लौट के आने तक का, अगर आपकी बीवी, आपकी मॉम, आपकी गर्लफ्रेंड ध्यान नहीं रखेगी तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि आप कुछ बन पाएंगे। तो ये सारा अवार्ड फीमेल्स को जाना ही चाहिए। थैंक यू एवरीवन। एंड मेरी बेस्ट फ्रेंड स्वीटहार्ट राशि यहाँ बैठी है, बड़ा लोखंड वाला खरीद लिया है, राशि लोखंड वाला खरीद लिया है, जहाँ देखो वहाँ उसके अपने नेल स्टूडियो, ब्यूटी स्टूडियो एवरीवेयर। जब पहले के जमाने में यू नो करके भेज दो, इनको जाना है ससुराल भेज दो, आज की तारीख में हर बेटी इतनी शिक्षित है कि बिजनेस करती है और ये आदमी लोगों को भी पीछे छोड़ दिया है, है कि नहीं? वाकई में लव यू, थैंक यू। क्या बात है, ऐसे खूबसूरत मोमेंट नहीं होगा। तो फिर मौके पे चौका हुआ है, आइए मुलाकात करवाते हैं आप सभी की हमारी अगली विजेता से, जो राखी मान तो है ही यहाँ पे, अमित सर भी हैं, तो उन्हें भी बुला लेते हैं सम्मानित करने के लिए। आप दोनों अब सम्मानित करेंगे राखी जी को। She's my not just a best friend, she's my mother, my best friend, my well-wisher, my everything. जब जब मैं गिरी हूँ, सबसे पहले एक हाथ आता है खुदा के बाद मेरी फ्रेंड राश्रि का। मैं किसी भी कंडीशन में रहूँ, she's always there for me. तो जब हमारा अच्छा समय चले तो हमारे लोगों को कैसे भूल सकते हैं, क्या भूल सकते हैं? And she is the best business woman. I really proud of you. आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो अवार्ड नाइट, आप लोग इंजॉय कीजिए, मैं यही हूँ। और सभी महिलाओं को, सभी मेल फीमेल सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, लव यू ऑल। थैंक यू मैम, लेकिन क्षमा चाहूंगी, बस एक अवार्ड के लिए आपको रोकना चाहूंगी। इस बार दे देते हैं। राशि मैम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड कांग्रेचुलेशंस, प्लेजर हैविंग यू हियर। जी नेक्स्ट है वो जिन्होंने मुंबई शहर में एक ऐसा नया आइडिया लेकर आया जिसने तूफान मचा दिया, हर न्यूज़पेपर्स में उनके इस लाउंज की खबरें छपी। ये पहला एक ऐसा लाउंज है जो मुंबई का फर्स्ट आईवी विटामिन्स लाउंज के नाम से फेमस हुआ, जुहू पे है। लेकिन ये आइडिया जो लेकर आई हैं वो प्राक्सिस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड की फाउंडर हैं। सुपर हैप्पी एंड प्राउड मोमेंट फॉर अस एवरीवन, प्लीज पुट आवर हैंड्स टुगेदर फॉर डॉक्टर राशि अग्रवाल। तालियां हो जाएं दोस्तों डॉक्टर राशि के लिए। अप्रिशिएट के आई गॉट टू अवार्ड, एक गए साल का, एक इस साल का। एंड जो हम मेहनत करते हैं उसके लिए अप्रिशिएट किया जाता है। सो आई बहुत अच्छा लगता है, आई मीन के सब के, मैं हर बड़े अवार्ड में जाती हूँ कि आईफा हो, फिल्म फेयर हो, जितने भी बड़े अवार्ड में आई ऑलवेज गो एंड आई ऑलवेज पार्टिसिपेट। एंड मैं छोटा अवार्ड नाइट भी अगर हो, आईटा अवार्ड भी है, इसमें भी जाती हूँ, इतना बड़ा बड़ा अवार्ड नाइट है शशि रंजन अनुरंजन जी का,
तो गोल्डन गर्ल अवार्ड हमने अभी लॉन्च किया और इट्स अमेजिंग के ऑल वुमेन्स को अप्रिशिएट किया जाता है, इट्स सो नाइस। एंड जैसे अभी गोल्डन गर्ल अवार्ड नया है, न्यू है, तो एक दिन ऐसे ही रॉकिंग हो जाएगा फिल्म फेयर एंड आइफा की तरह। या मुझे भी फर्स्ट टाइम मिला है गोल्डन गर्ल अवार्ड, एक बिजनेस वुमन हुआ करती कर हुआ नहीं, नहीं है, 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 इस वजह से मिला है। शी इज अ बिजनेस टाइकून वुमन, सो बिजनेस के लिए उनको मिला है और बहुत सीखना है मुझे काम करना। या या ऑफ कोर्स जी, दिन से दिन आपका बिजनेस बढ़ता ही जा रहा है, नया शॉप क्या बढ़ता जा रहा है, बिजनेस बढ़ता कुछ भी हुआ। बहुत बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने मुझे, सच में आज मेरे बिजनेस में जितनी भी मैं फेमस हुई हूँ, जो मैं काम कर रही हूँ, जो मेरा बिजनेस इतना तरक्की कर रहा है, बिकॉज ऑफ राखी। ये राखी सावंत नहीं है, ये मेरी एंजल है, ये मेरी ज़िंदगी की एंजल है। इसके वजह से मुझे इतना सपोर्ट मिलता है, इतना सपोर्ट करते हैं, आज मैं जो कुछ भी हूँ इनके वजह से, और आगे भी मैं इनके वजह से बहुत बढ़ना चाहूँगी। मेरा नेल आर्ट स्टूडियो, ऑल ब्यूटी ब्यूटी मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट्स, यस, हेयर नेल्स, मतलब सर के बाल से लेके पैरों के जो नाखून है खाल तक, एवरीथिंग। लोखंड वाला मार्केट में मेरे नेल आर्ट स्टूडियो है, लैशेस, आई लैशेस हम बहुत अच्छे करते हैं, हम नेल्स बहुत अच्छे करते हैं, और हेयर हेयर एक्सटेंशन, पूरे ब्यूटी प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। सो देखिए फाड़ू फाड़ू फाड़ू, सलमान भाई ने OTT लॉन्च कर दिया है जियो पे, अब हिंदुस्तान का नंबर वन शो बिग बॉस ही है और कोई शो है ही नहीं। तलवार, कौन सी तलवार? हाँ, तो मैं आपको मियां खलीफा लगती हूँ? नहीं, मैंने आपने मुझे कभी लॉलीपॉप वगैरह खाते हुए देखा है? आप मुझे कैसे बोल सकते हैं कि मैं मियां खलीफा हूँ? सुनिए, दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद। ये बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसमें अलग अलग कंट्री से अलग अलग कंट्रोवर्शियल पीपल को लाया जाता है और इन सबको, अब मैं आज बता दूं मियां खलीफा के इतनी फैन फॉलोइंग्स है, इतनी फैन फॉलोइंग्स है, लड़कियां कम लड़के ज्यादा है, 99% तू मत देख इधर, सब बहुत सारे। एंड देखिए उसमें अभिनेत्रियां भी होंगे, मेल फीमेल टेलीविजन, ये जितने भी लोग हैं, सलमान खान किसी भी फालतू लोगों को सिलेक्ट नहीं करेंगे, सलमान खान जो है बहुत सोच समझ के शो को पकड़ा हुआ है, होस्ट कर रहे, सलमान खान से अच्छा ये शो कोई होस्ट कर ही नहीं सकता है, और ये बिग बॉस चल ही रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ सलमान खान। अगर सलमान खान हट जाते हैं तो बिग बॉस नहीं है। राखी जी, क्या आप मराठी बिग बॉस को होस्ट करना पसंद करेंगे? मैं तो हिंदी को भी होस्ट करूं, लेकिन जो सलमान खान दे सकते हैं शायद वो मैं ना दे पाऊं, मेरे भी बहुत ही फैन फॉलोइंग्स है, लेकिन जो सलमान खान वो इंसान है, अस्त्र शस्त्र वस्त्र निकाल कर वो जहाँ पैर रख दे वहीं पर सोने के पहाड़ आ जाते हैं। कभी छुट्टी लेते ना सलमान सर, उस दिन आप जाएंगे क्या? तो आपको क्या प्रॉब्लम है वो छुट्टी लेते हैं तो? अरे वो छुट्टी ले, जब OTT का पहला सीजन आया था तब आप स्पाइडरमैन बन के गए जी। मैं जब बहुत ही गर्व की बात ये है कि जब फर्स्ट OTT आया था ऑन बिग बॉस, तो फर्स्ट मुझे चुना गया था, मैंने उसका अच्छा अलग तरीके से स्पाइडर वुमेन बन के मैंने इसे स्पाइडरमैन हंची फुंची स्पाइडरमैन हुर्रे, ये मेरा काफ़ी फेमस हो गया था कॉमेडी में, तो लोगों ने इसे बहुत सराहा था OTT बिग बॉस। एंड जब जब तक बिग बॉस है राखी सावंत हमेशा दिखेगी, जब जब बिग बॉस को राखी सावंत की जरूरत पड़ेगी वो हमेशा किसी की भी बजाने के लिए खड़ी रहे हो जाएगी। आदि पुरुष जो एक फिल्म है वो बहुत अच्छी फिल्म है, भगवान राम सीता रावण
विभीषण, ये सब अलग अलग कैरेक्टर जो बॉलीवुड स्टारों ने निभाए हैं, मैंने भी आज सुबह ही उठ के पहला शो देखा है। क्या बात है, फर्स्ट शो 12 बजे का। मैंने कहा इतनी पावन फिल्म आ रही है, आप लोग ये सेक्सी फिल्में, ये फिल्मों को इतना सपोर्ट करते हो, बट धार्मिक फिल्में आती है तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, सबको थिएटर में जाना चाहिए। दोस्तों यहाँ बुराई किसकी नहीं होती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी जो इन्होंने इतनी मेहनत करके चाय बना बना के बने, उनको ही ट्रोल किया जाता है, तो ये तो सिर्फ फिल्म है, डू यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे जो आगे देखो, पत्थर वही पड़ता है जिस पेड़ पे फल उगते हैं, तो फिल्म बहुत अच्छी बनी है, इसलिए क्रिटिसाइज तो करेंगे ही, शायद वो लोग क्रिटिसाइज करते हैं जिनको बैगे पैसा भर के नहीं पहुँची है, वो लोग क्रिटिसाइज करते हैं जिनको सिर्फ नंगापन पसंद है, ये धार्मिक, चुप रहा है, ये धार्मिक फिल्म है, जाकर थिएटर में सब लोग देखो। और बाहुबली के हीरो को मैं बहुत ही रिस्पेक्ट करती हूँ, कीर्ति जो है हमारी हीरोइन, और रावण का जो रोल किया है सैफ अली खान जी ने, इतना बढ़िया स्टार कास्ट हुई है, और हम लोग अप्रिशिएट ऐसी फिल्मों को नहीं करेंगे तो कौन करेगा, बताइए आप। मुझे ऐसा लगता है कि बियर बारों में, क्लबों में जाके आप लोग ऐसे ही जाके नाचते हो और पैसे उड़ा के आते, उससे अच्छा शर्म करो, अपने पाप धो, और ऐसी जो फिल्में हैं इनकी टिकट खरीदो और जाके फिल्म को सुपर हिट करो। थैंक यू, अलविदा। मैं जिंदाबादी हूँ, वरना तुम्हारा मुर्दाबाद कर दूँगी।